नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक है दो पॉलीनोमियल हमको दी हुई हैं, तो एक पॉलीनोमियल से दूसरे पॉलीनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पॉलीनोमियल है 3s³ + s² + 2x + 5, इसको डिवाइड करना है 1 + 2x + 4s² 1 + 2x + s² इससे हमको डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया पॉलीनोमियल को, जिसको ये डिविडेंट है, ठीक है, और जिससे डिवाइड करें वो डिविजर है। तो डिविडेंट है 3s³ + s² + 2x + 5 और डिविजर है s² + 2x + 1। ठीक, तो हम यहाँ पर करने, यहाँ पर मेन चीज कैसे है, क्या मतलब कैसे करते हैं कि ये जिस जो डिविडेंट है उसका जो हाइएस्ट पावर टर्म है वो क्या है, 3s³। तो 3s³ को डिविजर के हाईएस्ट पावर टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, क्योंकि सेम टर्म हमको यही लाना है। तो s² हमारे पास है, तो हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3s³। ये यहाँ पर कितना आ गया, 3x। 3x से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s³ + 6s² + 3x, यहाँ पर लिख लिया, माइनस कर दिया, माइनस के साइन हो गए, ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस के 5s² और यह हम बच जाएगा माइनस के x और प्लस के 5, ये 5 को हम उतार लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, जो डिविडेंड, जो अभी डिविडेंड आया, इसका हाईएस्ट टर्म कितना है, -5s², तो हमको 5s² ही चाहिए। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5s² आ जाए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो आ जाएगा -5s², यह आ गया, और -5 × 2x यानी -10x, ठीक है, और -1 से करेंगे -5, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस के और एक माइनस का, तो प्लस के 9 और ये भी प्लस के हो जाएंगे और वो भी प्लस के, तो क्यों जाएगा 10, तो 9x + 10, द डिग्री ऑफ 9x + 10 इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिविजर। ये जो रिमाइंडर बचा है, इसकी जो डिग्री है वो डिविजर की डिग्री से क्या है, कम है, इसलिए हेंस द डिविजन प्रोसेस कैन नॉट बी कंटिन्यू फर्दर। अगर ये डिग्री बड़ी होती तो हम डिविजन प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू रखते। नाउ द कोशेंट इज 3x, कोशेंट क्या आ गया, 3x - 5, ठीक है, और रिमाइंडर आ गया 9x + 10। तो हम इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं कि s² + 2x + 1 × 3x - 5 + 9x + 10, ठीक है, और इन सबको हम खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंट ही बन जाएगा, ठीक है, इन सबको खोलने से हमारा ये डिविडेंट आ जाएगा, कौन 3s³ + s² + 2x + 5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर लेंगे, किसी भी कोई भी पॉलीनोमियल दी है, दूसरी पॉलीनोमियल से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उससे, तो वो पॉलीनोमियल उस पॉलीनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। थैंक यू दोस्तों, मैं वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक यू।